कोरोना काल के बाद एक शब्द जो हर किसी की जुबान पर है वह है इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए अगर कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा पहाड़ी खान पान। अब हमारा पहाड़ी खान पान क्या है? देखिए मेरे सामने ये जो थाली है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से महत्वपूर्ण है। ये जो है भटके डुबके, इसमें थोड़ा गाय का घी डाल दिया, भटके डुबके। ये है हमारा तिमिले का रायता, ये है हमारी भांग की चटनी, ये हमारे यहाँ इसको झोली बोलते हैं, हमारी दूसरी भाषा में कड़ी। ये है लिंगुड़े की सब्जी और ये है मूली का थेचवा और इसके साथ है मडवे की रोटी। ये जो चुपूरा खाना है ना, ये अपने आप में इतना न्यूट्रिशियस वैल्यू लेकर है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने ये भोजन ग्रहण कर लिया तो आपके अंदर वो तमाम जो न्यूट्रिशन चाहिए एक इंसान को, कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, सब कुछ इसमें मौजूद है। इतना महत्वपूर्ण है हमारा खाना। और इस जब हमारे यहाँ बरसात होती है, खासकर जब अगर हम बात करें लिंगुड़ा, जहाँ पर हमारे नौले धारे होते हैं वहाँ लिंगुड़ा बहुत होता है। और लिंगुड़े के बारे में आपको बताऊं, लिंगुड़ा आयरन से भरा हुआ है, इतना आयरन कंटेंट हमारे इस लिंगुड़े में है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग देवभूमि उत्तराखंड में आए, यहाँ स्वच्छ शुद्ध भोजन खाकर अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएं, यहाँ की जो आबो हवा है उसमें शुद्ध वायु लें। और ये जो पानी जो आपको दिख रहा है, ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये स्रोत का पानी और तांबे के गिलास में पानी है। ये अपने आप में ये जो पूरा हमने व्यवस्था यहाँ पर हमारे पहाड़ी भाई बहनों ने व्यवस्था की है, वो इसलिए की है ताकि जो भी मेहमान हमारे यहाँ है उत्तराखंड में, उनको ये सब खाने को मिले, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनके चेहरे में मुस्कान हो और साथ ही साथ उनको एक शांति का भाव हो। और ये तब हो सकता है जब हमारे पास शुद्ध भोजन हो, और ये शुद्ध भोजन, साफ सुथरा भोजन, मीठा भोजन, न्यूट्रिशियस वैल्यू से भरा भोजन केवल और केवल दुनिया में आपको देवभूमि उत्तराखंड में मिलेगा, हमारे पहाड़ में मिलेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड में आइए, शुद्ध हवा लीजिए, शुद्ध पानी लीजिए और शुद्ध भोजन करिए, यहाँ अध्यात्म का अध्ययन करिए और साथ ही साथ अपने विचारों को शुद्ध करके जाइए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के जाइए, अब हर बीमारी को जीत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जरूर आइएगा उत्तराखंड में।